इंदौर में 2020 की अभी शुरुआत ही हुई है कि वहीं एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, घटना इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और पुलिस को भी जिला अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश लाई गई है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाँच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर ने बॉडी का निरीक्षण किया और फिर देखा तो वहां पर घाव का निशान नजर आया, जिसके आधार पर डॉक्टर ने शंका जताई कि युवक की हत्या कर उसको एक्सीडेंट की शक्ल दी जा रही है। फिलहाल यहां पर बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने जुआ के दो साथियों को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ में युवकों ने मारपीट करने की बात को कबूल किया है। वहीं जिस युवक ने बेरहमी से मारपीट की वह फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस ने विभिन्न जगह दे रही है और पूरे ही मामले की जांच कर रही है। नहीं आए। क्या नाम है तुम्हारे भाई? मुकेश। क्या करते थे? ढाबे पे काम करते। कहाँ पे ढाबे पे? सर ये पूछा बोलते हैं, काका ढाबा। कहाँ के रहने वाला है ये? चंदूपुरा। कितने दिन से काम कर रहे थे यहाँ पे? 10-12 साल से। क्या कुछ आपसी विवाद की कोई बात सामने आई कि साथ में उन लोगों के जो साथ में किसी का विवाद था? मुकेश पिता प्रधान सिंह, निवासी चंदूपुरा उदयनगर का, ये काका ढाबे पे काम करता था, शीशा ढाबे के पास में। कल इसकी जांचसानी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये 10 अस्पताल भोलाराम उस्ताद मार्ग पे वहाँ ये भर्ती था। इलाज दौरान आज सुबह 4:30 उसकी मृत्यु हो गई, मर कायम हुआ और अभी पीएम के लिए लाए हैं उसको। तो उसके पीछे सिर में चोट है, अब वो जांच हो रही है कि ये उसका जिनने भर्ती करवाया था वो उसको एक्सीडेंट बता रहे थे, और उसके जो घर परिवार वाले हैं और ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि इसको मारा है कि एक्सीडेंट है, ये जांच चल रही है अभी उसकी। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।